छिछोड़े देख रहा था। उस समय खबर आया कि सुशांत और नाही है, गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लिए। दोस्तों खबर सुनने के बाद 5 मिनट कुछ नहीं बोल पाया हम। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ये हंसता खिलता चेहरा अब हम नहीं देख पाएंगे। दोस्तों छिछोड़े मूवी में अपने बच्चे को बोलता है कि बेटा तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया। छिछोड़े में आपको पता ही होगा कि इनका बेटा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता परीक्षा पे रैंक नहीं आने पर, और अपने बच्चे को बोलता है सुसाइड कभी मत करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। पर ये क्या हुआ, खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। दोस्तों एक बार सोच कर देखो सुशांत कितना प्रॉब्लम में, कितना डिप्रेस्ड होकर ये फैसला लिया। फिलहाल हम सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देंगे, एक शॉर्ट बायोग्राफी हमारी तरफ से। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनकी परिवार को ताकत दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अक्षय और स्फीयर ब्रदर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सुशांत 21 जनवरी 1986 में बिहार के पटना में जन्म ली थी। उसके पिता के सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे। सुशांत ने सिर्फ 16 वर्ष उम्र में अपनी माँ को खो चुका था। उसके दो बहन थी जिनमें से एक यूएसए में रहता है और एक स्टेट लेवल क्रिकेटर है। सुशांत पढ़ाई में बहुत अच्छा था। फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विजेता सुशांत एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सप्तम स्थान प्राप्त होकर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर स्टडी शुरू की थी। बट व्हेन सुशांत वाज इन द थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कोर्स टू मेक ए करियर इन एक्टिंग। सुशांत अपनी करियर शुरुआत किया था एक टीवी सीरियल से। 2008 में उनकी पहली टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल स्टार प्लस में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 2010 में उसने एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 4 में फर्स्ट रनर अप हुआ था। उसके 3 साल बाद 2013 में सुशांत का पहली सिनेमा काईपोचे रिलीज हुआ था, फॉर विच ही रिसीव ए नॉमिनेशन फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू। फिर एक के बाद एक फिल्म शुद्ध देसी रोमांस 2013, पीके 2014, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी 2015 हिट होती रहती है। 2016 में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नामक एक बायोपिक बनाई जो महेंद्र सिंह धोनी के जीवनी थी। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन मिला। उसके बाद रब्ता 2017, केदारनाथ 2018, छिछोड़े 2019, ड्राइव 2019 के तरह कई फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों सुशांत थी पहली बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी। सुशांत ने चांद पर अपनी जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से खरीदी थी। एक्टर ने प्लॉट पर नजर रखने के लिए खास किस्म की दूरबीन भी खरीदी थी। उनके पास एडवांस टेलीस्कोप 14LX00 था। दोस्तों इसके साथ साथ सुशांत 2017 में बोइंग 737 प्लेन एयरक्राफ्ट उड़ाकर अपने सपनों को पूरा किया। दोस्तों ये थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। इनका मौत अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो हम तो यही चाहेंगे इनकी आत्मा को शांति दे और इनकी परिवार को ताकत दे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।